हैं। तो नसीम शाह ने बहुत मेहनत की है, उसने अपनी किस्मत को बनाया है। सर नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलमान कादर भाई मौजूद है, जो अब्दुल कादर मरहूम का बेटा है। सर, नसीम शाह आपके पास खेलता था, अभी माशाल्लाह उसको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है आपकी कोशिशों से। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि नसीम हमारे साथ खेलता है और हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे साथ खेलता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने जिसको टैलेंट दिया है वो शायद कम लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया है। तो हमेशा यही कोशिश होती है और कि उसके लिए जो भी बेहतर बात की जाए वो हम ट्राई करते हैं करें और दुआ करते हैं कि हमेशा वो परफॉर्मेंस करें। सर, ये उसकी मेहनत का नतीजा या उसमें पैदाइशी कुछ सलाहियत मौजूद थी बॉलिंग की? आप देखिए, नहीं, मेहनत किस्मत तब आपकी बनती है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये कहें किस्मत में, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, तो बच्चे कहते हैं ना किस्मत, तो मैं कहता हूँ यार एक काम करो, अगर किस्मत पे इतना यकीन है ना, तो जो जीटी रोड चल रहा है ना या बड़ी गाड़ी जो बड़ा रोड है उस पे जाके लेट जाओ। अगर बस गुजर गई, गाड़ी गुजर गई, तो आपकी तो किस्मत में था। अगर आगे किसी ने ब्रेक लगा दी तो इसका मतलब आपकी किस्मत में नहीं था भाई, बच गए हो आप। तो ये बात नहीं होती, इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो इंसान मेहनत करता है तो फिर आपकी जो है ना किस्मत बनती है और फिर आप बड़े लेवल पर जाते हैं। तो नसीम शाह ने बहुत मेहनत की है, उसने अपनी किस्मत को बनाया है, मेहनती है वो, और दूसरी बात है टैलेंट उसमें बेशक है और उसने टैलेंट के साथ साथ मेहनत बहुत की है। सर, उसका छोटा भाई भी आपके साथ है इसी एकेडमी में, उसके हवाले से क्या मुस्तकबिल क्या होगा और आगे क्या पोजीशन? थोड़ी सी बदकिस्मत है ये बच्चा, क्योंकि जो सिस्टम चेंज हुआ है उसकी वजह से मौके कम हो गए। अंडर 16 सेंट्रल पंजाब से खेला, अच्छी बॉलिंग की है, अंडर 19 नहीं खेल सका क्योंकि वहाँ पर इसको बॉलिंग का कम मौका मिला है। मेरा ख्याल है इन जैसे बच्चे बहुत से ज़्यादा इस सिस्टम की वजह से जो है ना वो आगे नहीं आ पाए, तो मैं समझता हूँ थोड़ा बैड लक है इसके साथ, वरना ये इस टाइम पाकिस्तान जूनियर लीग में ये डेफिनेटली खेलता। जब उसने उधर खेलना था तो इसने ऑटोमेटिकली अब दुनिया को बता देना था कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। तो बस यही है कि मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांस मिले उतना कम है। अच्छा सर, आखिरी में एक सवाल है, एशिया कप जो हमने जहाँ तक हम पहुँच गए और हम रह गए, इस हवाले से कोई मौक़िफ या कोई तजवीज़? देखिए, अच्छा खेला पाकिस्तान, फाइनल में अच्छा नहीं खेल सका, श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, आपको हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास किया, और जो है कोई बात नहीं। देखिए, वो ज़ाहरी बात है, देखें किसी को जान के कैच नहीं छोड़ता, ठीक है, बैड लक होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है जो प्लेयर से गलतियाँ हुई वो मेहनत करेंगे और जो होम सीरीज़ होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ वो दोहराएंगे नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा।